जल्दी सफारी। चाचू की शादी में फ्लाइट से जाने की तैयारी कर रही हूँ। डोरा फ्लाइट से तो जाते रहते हैं, यहाँ फ्लाइट से वहाँ फ्लाइट से, इस बार छुक छुक ट्रेन गाड़ी से चलते हैं। ट्रेन से? मैं तो कभी ट्रेन से गई नहीं हूँ। डोरा आपको याद है मैंने आपको लास्ट टाइम एयरपोर्ट रूल्स बताए थे, तो इस बार मैं आपको रेलवे के रूल्स बता देती हूँ। और जब तक मैं आप लोगों को और डोरा को रूल बता रही हूँ, तो आप कंजूसी मत करो और लाइक कर दो। और मैं चाहती हूँ हमारी टॉयस्टार की रेलगाड़ी 2 मिलियन रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाए, तो आप लोगों को उसके लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना और घंटी भी दबा देनी है। चल डोरा पैकिंग स्टार्ट करते हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं। बेटा 6 बजे का अलार्म लगा लो और हाँ सोते मत रह जाना, सुबह 6 बजे की ट्रेन है तुम्हारी। हाँ हाँ माँ मैंने लगा लिया अलार्म, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। और हाँ सोने से पहले चेक कर लेना कि तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई है या नहीं। क्यों टेंशन ले रही हो माँ, मैंने चेक कर लिया है, सीट कंफर्म्ड है। चलो बेटा अब सो जाओ, मैं भी सोने जाती हूँ, सुबह उठ के पैकिंग भी तो करनी है। ठीक है माँ सोते हैं, गुड नाइट। चलो ठीक है बेटा बाय, गुड नाइट। चलो बेटा उठो उठो जल्दी तैयार हो, 5 बज गए हैं, उठो जल्दी उठो। क्या यार मम्मी सुबह सुबह उठा दिया, चलो आती हूँ रेडी होके नीचे। लो माँ हो गई मैं रेडी। ठीक है बेटा मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, ध्यान से जाना। और हाँ रास्ते में अगर कोई कुछ दे तो खाना मत। क्यों टेंशन ले रही हो माँ, अब चलती हूँ, पिंकी स्टेशन पे वेट कर रही होगी। ठीक है माँ बाय, ध्यान रखना अपना। और ये बोल के मिनी टैक्सी पकड़ के रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। और जैसे ही मिनी स्टेशन के बाहर पहुंचती है तभी उसकी दोस्त पिंकी आके बोलती है, अरे मिनी कहाँ रह गई थी तू, ट्रेन का टाइम हो गया है अपनी। यार तू वो सब छोड़, इतना सारा सामान हम स्टेशन तक लेके कैसे जाएंगे। ओहो तू टेंशन मत ले, उसके लिए कूली होते है ना, ले जाएंगे अपना सामान प्लेटफॉर्म तक। पर यार इतना सारा सामान मैं किसी और के भरोसे कैसे छोड़ूं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे मिनी देख जितने भी कूली होते हैं यहाँ पर सबके बैच नंबर होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रुक मैं बुलाती हूँ कूली को। कूली कूली। हाँ जी मैडम। हाँ भैया ये सारा सामान है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जाना है, कितने पैसे लोगे। अच्छा तो ये सामान है आपका, मैडम इसके लगेंगे 350 रुपए। अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है। मैम ये जो हमारे चार्जेस होते हैं ये लगेज की क्वांटिटी और वेट के हिसाब से होते हैं, और अगर आपको नहीं जच रहा तो कोई और देख लो। ठीक है भैया वैसे भी हम बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। और फिर वो दोनों कुली के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए चल देते हैं। थैंक यू भैया। वैसे झांसी जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी। मैडम वो तो 2 घंटे लेट है। अरे तब तक हम क्या करें। तो मैडम तब तक आप एक काम करिए, वेटिंग रूम में वेट कर लीजिए। हाँ यार चल पिंकी, जब तक ट्रेन नहीं आती वेटिंग रूम में वेट करते हैं। ठीक है मैम धन्यवाद। और फिर दोनों वेटिंग रूम पे पहुँच जाते हैं। यार इतनी भागा दौड़ी में तो बहुत तेज भूख लग रही है। चल तो फिर एक काम करते हैं, रेलवे की कैंटीन से कुछ खा कर आते हैं। चल हाँ चल ठीक है चलते हैं। और भाई भूख के चक्कर में दोनों अपना सामान वहीं छोड़कर कैंटीन के लिए निकल जाते हैं। भैया खाने में क्या क्या है। मैडम खाने में पराठे हैं, डोसा है, चाउमीन है, इडली है, थाली है, और थाली में नॉर्मल थाली है, डीलक्स थाली है और सुपर डीलक्स थाली है। बताइए आपको क्या चाहिए। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं एक थाली ही ऑर्डर कर लेते हैं। अरे पिंकी थाली मत ले, सफर के टाइम हल्का खाना खाना चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाती है। कहते हो तो सही रही है। भैया एक काम करो ब्रेड ऑमलेट कर दो। हाँ ये ठीक है, 2 ब्रेड ऑमलेट कर दो। और भैया बिल कितना हुआ। ठीक है और आपका बिल हुआ है 150 रुपए। और मिनी जैसे ही पैसे निकालने के लिए पर्स देखती है, अरे यार पिंकी बैग कहाँ गए अपने। अरे हाँ मिनी बैग कहाँ है। चल चल लगता है वेटिंग रूम में चूड़ गया, जल्दी चल चेक करते हैं। हाँ हाँ चल चलते हैं। और भाई दोनों जल्दी जल्दी में वेटिंग रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं। ओ नो यार पिंकी मेरा तो एक बैग गायब है। हाँ तेरा तो एक बैग गायब है, बट अच्छा है कपड़ों वाला ही हुआ, पैसों वाला सेफ है अभी भी। चल जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं रिपोर्ट कराने। हाँ यार चल 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 ना जल्दी चल। और दोनों कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। हाँ जी मैम बताइए क्या हो गया। सर हमारा एक लगेज वेटिंग रूम से चोरी हो गया। मैम आप एक काम करिए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, जैसे आपका सामान मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, लेकिन सामान मिल तो जाएगा ना। मैम आप परेशान मत होइए, आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। अरे मिनी बैग तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेन छूट गई ना तो कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे और पता है बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। पिंकी सही कह रही है तू, चल यार चलते हैं, ट्रेन मिस हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भाई पुलिस स्टेशन से निकल के दोनों जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ ही जाते हैं। भाई
भाई सामान रखने के चक्कर में मिनी से गलती से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच जाती है। अरे मिनी ये क्या किया तूने? अब मैंने क्या कर दिया? तूने गलती से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। और उसी टाइम टीटी वहाँ आके बोलता है, हाँ जी मैम आपने चैन क्यों खींची? सर वो गलती से खींच गई। मैम बिना इमरजेंसी के चैन खींचने पे फाइन है, पता है आपको? फाइन? हाँ मैम फाइन मतलब जुर्माना। और तभी वहाँ एक लड़की आके बोलती है, अरे मैम थैंक यू, आपकी वजह से मैंने ट्रेन पकड़ ली वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाती। चलो मेरी गलती से किसी का भला तो हुआ। मैम आपने भला तो किया है लेकिन चैन आपने बिना इमरजेंसी के खींची है। ठीक है सर सॉरी, ये लीजिए आपका फाइन, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों सफर का मजा लेके पहुंच ही जाते हैं